तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे छत का मिनी फार्मिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपको अड़हुल का पेड़ है जो कि इसमें एक फूल लगा हुआ था। गिलहरी ने किस तरीके से अपना नेक्स्ट बना चुका है छोटा। वेलकम टू द ब्लॉग भाई, स्वागत करता है आपका भाई फिर से एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी दोपहर के 4:30 बज रहे हैं, सुबह से मैंने सोचा ब्लॉग बनाने तक का टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश हो रही थी। आज सुबह से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ये जो तूफान आ रहा है इसका असर देखने को आज पटना में भी मिला है हम लोगों को। तो अभी मौसम काफ़ी अच्छा कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलिए छत पर चला जाए, वहीं से आज के ब्लॉग का स्टार्टिंग कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज आसमान सूरज है वो भी अब काफ़ी ठंडा पड़ रखा है। और भाई तो पेड़ खिल उठते हैं जैसा कि आपको तो पता ही है, देख लो कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमारे छत पे प्लांट में क्या क्या लगाया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो ये हमारे छत का मिनी फार्मिंग, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपको अड़हुल का पेड़ है जो कि इसमें एक फूल लगा हुआ था। जय यहाँ पे आप देख लो एक कली यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन आज काफ़ी तेज़ जो तूफान आया था जिसके कारण ये कली आज निकल चुकी है, लेकिन एक कली लगी हुई है। अगर अगली बार ये खिलती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत पुदीना है और बारिश के पानी में सबसे बेटर चीज़ क्या होता है कि जो पेड़ का पत्ता है वो कहीं ना कहीं खिल उठता है, देख सकते हो आपकी खूबसूरत लग रही है। और ये आपको ये कढ़ी पत्ता है, कढ़ी पत्ता का लीफ आप हमेशा यूज़ देखते होंगे काफ़ी लोगों को बनाते हुए, कढ़ी वगैरह में सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे आपको गुलदाबदी का पेड़ नज़र आ रहा है, इसमें काफ़ी सारा अभी छोटी छोटी कलियाँ देखने को अभी आपको मिलेंगी। ये सारा अभी एक दो दिन में आने वाले दिन में ये जो है ये खिल उठेगा। भाई बारिश में अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को लॉस होती है तो वो होता है ग्रीन मिर्च का पौधा। मिर्च का पौधा जो होता है उसे पानी की सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है। अभी आप देख सकते हो कि इसमें फर लग चुका है और यही फूल जो है ये आगे चल के मिर्च में कन्वर्ट होगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो इस पोर्शन में कि किस तरीके से ये कन्वर्ट होने लगा है आगे चल के, और यही मिर्च बनेगा। उसके बाद फिर ये आपको बेली का फूल होता है, उसका पेड़ है। और थोड़ा बहुत ये सारा हर तरीके का बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हरा मिर्च का पौधा है यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ट्विस्टेड है, यहाँ पे किस तरीके से कली इसी में से निकलेगा ग्रीन चिली। और अभी थोड़ा सा समय है लेकिन देखिए ये एलोवेरा है, फिर ये तुलसी पत्ता, इसके बाद ये जो है भाई ये बेजल है। ये आपको हमारे पास दो तरीके का होता है, इसका अगर आप लीफ देखोगे तो ये आपको देखने में रेडनेस लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल का है। इसका जो ब्रीड है ये थोड़ा दूसरे लेवल का ब्रीड है, बड़ा पत्ता होता है काफ़ी। बेजल पिज़्ज़ा वगैरह में भी आप कभी देखे होगे इस चीज़ को। उसके बाद ये है भाई पतझड़ इसको बोलते हैं या कुछ ऐसे ही, परफेक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन गैश में यूज़ किया जाता है। इसका सबसे खास बात होता है, हम लोगों ने पहले भी कभी पढ़ा होगा कि इसके पत्ते में ही रूट होते हैं। ओके, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर अंदर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ पत्ते में ही रूट होते हैं और इसी में से ये फिर पेड़ निकलता है। मतलब कि अगर आपको इसका प्लांट लगाना है तो आपको पहले पत्ता इसका लगा दो, उस काफ़ी है, इसी में से फिर ये निकल जाएगा। तो बहुत तरीके का ये थोड़ा छोटा सा फार्मिंग था। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करने वाला हूँ अपने स्टूडियो के बारे में, क्योंकि अभी लॉकडाउन, आपको पता है कि लॉकडाउन लग चुका है, हम लोग बाहर जाके वीडियो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इश्यूज होता है कि घर में किस तरीके से शूट किया जाए, और आपको तो पता ही है कि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लेकिन लॉकडाउन के कारण रुक चुका है यहाँ पे। तो अभी मैंने सोचा कि छत पे एक रूम है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक काम चलाने पर थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हैं उसको, अगर जगह सही लगा, लोकेशन सही लगा ऊपर में, तो फिर उसको परफेक्ट स्टूडियो के रूप में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन सा वो रूम है और किस तरीके से। अगर आपको पसंद है तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या यहाँ पर शूटिंग के लिए कभी कभी अगर फूड चैलेंज करना हो गया तो क्या वो यहाँ पर शूटिंग करने के लिए सही चीज़ है या नहीं है, आप कमेंट करके बताना ज़रूर। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जो हमने प्रॉपर तरीके से सोचा था वो ये आपके सामने जो देख रहा है, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कबाड़ देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि काफ़ी कबाड़ ही रखा हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि अभी ये कंस्ट्रक्शन में चल रहा था। अभी आप देख रहे होगे कि सेलिंग वगैरह का भी अभी पूरी तरीके से ये प्रिपरेशन नहीं हुआ था, मतलब अभी इसमें वाइट वॉशिंग हो चुका था लेकिन अभी पेंट वगैरह रुका हुआ था उसके बाद। भाई तो ये अभी ये एज ए स्टोरेज रूम के पर्पज़ से बनाया गया था कि कभी भी अगर आप ऊपर में कुछ स्टोरेज रखना चाहते हो तो ऊपर में यहाँ पे रख सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी सेट से इसको ढका हुआ है, या पूरी तरीके से ऊपर में छत बनाया हुआ नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो काफ़ी छोटा भी है और मेरे लिए परफेक्ट है। जैसे अगर हम इसको मॉडर्न आर्ट्स तरीके से प्रिपेयर करें तो ये रूम काफ़ी बेटर हो सकता है मेरे सेंस से। आपको कैसा लग रहा है ये स्पेस? हो सकता है कि वीडियो में आप यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं देख पाए, लेकिन काफ़ी ब्रॉड स्पेस है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर जो थोड़ा बहुत प्लानिंग है हमारा कि ऊपर में रोप लगा के उसमें लाइट लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरा मोटिव है कि मैं जब इस स्टूडियो को बनाऊंगा तो वेस्ट मटेरियल से बनाऊंगा, ताकि यहाँ पे दो चीज़ देखने को मिले कि वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से रीयूज़ किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ है कि थोड़े बहुत सेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट यार, तो वो चीज़ भी है यहाँ। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बेटर लगती है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि एक खिड़की है जो कि यहाँ से आपको शूटिंग के दौरान लाइट भी आएगा प्रॉपर तरीके से। और अगर बाहर का माहौल दिखाऊँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी खुला माहौल है। छत के जस्ट नीचे एक फ्लोर है, यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हो कि एक कॉर्नर में वाइट वॉशिंग नहीं हो रखा है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पर एक नेक्स्ट है। और एक्चुअली क्या है कि एक अजीब तरीके का बर्ड है, और बर्ड का नाम मुझे नहीं पता, और अभी शायद वो हो भी नहीं, इस चीज़ में बाहर गई हुई हो, लेकिन वो क्या होता है कि हर एक दो तीन सप्ताह में वो एग देता है यार, और तीन अंडे एक बार देता है, और उसके बाद फिर दो से तीन सप्ताह में उसके बच्चे निकल जाते हैं, देन वो सारे गए, फिर दो से तीन सप्ताह में। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले इसके जो बच्चे थे वो उड़ चुके हैं, शायद अभी नेक्स्ट खाली होगा। कोशिश करता हूँ ऊपर में, यही वो नेक्स्ट है, इसमें आपको आई होप कि नज़र आ रहा हो अगर कुछ हो तो, क्योंकि अभी इसमें कुछ है नहीं, वो उड़ चुकी है चिड़िया, और आने वाले एक से दो सप्ताह में ज़रूर इसमें अंडे आपको देखने को मिलेंगे। तो भाई फाइनली एडिट हो गया कंप्लीट, एक घंटे का टाइम लगा प्रॉपर, और अभी 8:51 हो रहे हैं, और अब चलिए करते हैं यहीं पे, आज वीडियो का यहीं पे अंत होगा, और थोड़ा अपलोड होने में आज देर हो सकता है क्योंकि नेटवर्क इशू आ रही है बारिश को लेके, तो इसलिए हो सके तो नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, इसलिए आज ऑन द टाइम हो सके तो नहीं अपलोड होगा ये वीडियो, कल अपलोड हो सकता है। तो चलिए मिलता है आपका भाई फिर अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में मिलता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे जो लोग नए हैं उन लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो है उनको ऑन द टाइम मिल सके। और इसी के साथ लेते हैं आज के ब्लॉग में विदा, फिर मिलता है आपका भाई अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।